हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे टैली ईआरपी 9 में लेजर क्रिएट करना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने एक कंपनी क्रिएट किया हुआ है विजय ट्रेडर्स के नाम से। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि टैली ईआरपी 9 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, पूरे डिटेल्स में बताया था आपको वहां पे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ तो जाकर मेरा वीडियो वहां पे देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे लेजर बनाना। तो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली, मास्टर इन्फो में जाएंगे। मास्टर इन्फो में आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फो दिखाई दे रहा है, अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे। ग्रुप के नीचे ठीक आपको लेजर दिखाई दे रहा है, लेजर पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि कोई लेजर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो आप डिस्प्ले को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। कैश प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से अकाउंट लेजर बना होता है इसमें, इसीलिए हम कैश और प्रॉफिट का लेजर क्रिएट नहीं करते हैं। बैक जाएंगे आप यहां से थोड़ा सा। हमको क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यानी कि हमने अभी नई अकाउंट ओपन किया है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारा पूंजी होता है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मेंशन नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आपको वहां पे हर चीज मेंशन करना होता है। हम 5000 से स्टार्ट करेंगे, पहला लेजर क्रिएट हो गया हमारा। दूसरा लेजर बनाएंगे परचेज का। परचेज होगा अंडर हमारा परचेज अकाउंट मिल जाएगा, पी दबाएंगे तो आपको ऑलरेडी यहां पे परचेज अकाउंट मिल जाएगा। एक्सेप्ट करा लेंगे इंटर के साथ। दूसरा बनाएंगे सेल वाउचर। अंडर चला जाएगा सेल अकाउंट में। सेट करा लेंगे। सेल रिटर्न का बनाएंगे, ये भी हमारा चला जाएगा सेल अकाउंट में। सेल टैक्स बनाएंगे, अंडर चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस पे हमारा ये। अब जैसे डी दबाएंगे यहां पे ड्यूटी एंड टैक्सेस सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप ऐसे सेट कर लेंगे। वेजेस का बनाएंगे यहां पे, वेजेज में हमारा होता है खर्चा। अंडर हमारा चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आप जैसे डी दबाएंगे तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मिल जाएगा, लिस्ट से आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेबर चार्ज, लेबर चार्ज जमा चल जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, इंटर के साथ आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज,
ये भी हमारा चल जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। हमको लेजर अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे हमको बना लेते हैं, जैसे हमको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम लेजर यहाँ पे हम बना लेंगे। सैलरी, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं आपको सैलरी पेमेंट करनी है, तो सैलरी आपका खर्चा है, यानी कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आई दबाएंगे तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है। फीस ये भी हमारा इनडायरेक्ट में चला जाएगा। SBI ये हमारा बैंक है, तो यहाँ पे बी दबाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक अकाउंट में ले लेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे। ड्राइंग ये हमारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा अंडर। PNB बैंक अकाउंट में चला जाएगा हमारा, बी दबाएंगे ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो मेरा लेजर क्रिएट हो गया। बैक जाएंगे देख लेंगे हम जो लेजर अभी क्रिएट किए हुआ है या नहीं हुआ है, आप ऐसे डिस्प्ले करेंगे। जैसे डिस्प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे जो जो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट किए हैं वहां पे हमको डिस्प्ले हो जाएगा कि हमने लेजर AEI क्रिएट किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।